अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री। हम लोग नॉमनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को डिस्कस कर रहे थे। हमने कल नॉमनक्लेचर ऑफ अल्केन में बात की कि हम अल्केन का नाम कैसे लिख सकेंगे, उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि हमने याद रखने हैं, जो कि हमें मालूम होने चाहिए कि वो क्या रूल्स हैं, उनको यूज़ करते हुए उनके अकॉर्डिंग हम किसी भी अल्केन का आयूपैक नेम लिख सकते हैं। अब एमसीक्यू में हमने बात की कि क्या पॉसिबल हो सकता है, स्ट्रक्चर गिवेन हो, नेम गिवेन हो, चूज़ द करेक्ट नेम, इनकरेक्ट नेम गिवेन हो, चूज़ द करेक्ट नेम, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि नेम गिवेन हो और चार स्ट्रक्चर दे दिए जाएगा, चूज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर दिस नेम, चूज़ द स्ट्रक्चर, ये किसका नाम है उसे चूज़ करें। तो इसलिए हमें नेमिंग के रूल्स मालूम होने चाहिए। सबसे पहला रूल है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा रूल है नंबर फ्रॉम द साइड विच गिव लोअर पोजिशन, लोअर प्रायोरिटी टू ब्रांच इन केस ऑफ अल्केन। अगर कोई और क्लास ऑफ कंपाउंड आएगी तो लोअर पोजिशन टू फंक्शनल ग्रुप, वहां से नंबर करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप लोअर आ जाए। उसके बाद राइट द नेम ऑफ ब्रांच फर्स्ट, देन राइट द नेम ऑफ पेरेंट चेन, ब्रांच का नाम पहले, पेरेंट चेन का नाम बाद में। कोई वर्ड के दरमियान, किसी चीज के दरमियान कोई स्पेस नहीं आएगा, सिर्फ पहला लफ्ज कैपिटल लिखेंगे, बाकी तमाम नेम स्मॉल लिखा जाएगा। दो डिजिट्स के दरमियान कॉमा, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक डिजिट और अल्फ़ाबेट के दरमियान डैश या हाइफ़न का साइन देंगे। एक से ज़्यादा एक जैसी ब्रांच होगी तो प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा ऐड करेंगे। अगर डिफरेंट ब्रांचेस मौजूद हैं तो नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, जिस ब्रांच का नाम अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जिसका बाद में आएगा उसका बाद में लिखेंगे। अगर एक कार्बन पे एक से ज़्यादा ब्रांच मौजूद होगी तो उसकी पोजीशन दो मरतबा लिखी जाएगी, अगर दो ब्रांचेज एक ही कार्बन पे मौजूद हैं तो राइट पोजीशन ट्वाइस, उसकी दो मरतबा पोजीशन को लिखेंगे। अगर एक जैसी लेंथ की एक से ज़्यादा चेन अवेलेबल हैं तो सेलेक्ट द चेन विद मोर ब्रांचेज। हम इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH3, अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन की ये चेन मौजूद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन की ये चेन मौजूद है, ये दोनों 7 कार्बन की, ये 4, 3 और 4, 7 कार्बन, 2, 4, 5, 6, 6 और 7, 7 कार्बन की ये चेन भी मौजूद है, 7 कार्बन की ये चेन भी मौजूद है, 7 कार्बन की ये चेन भी मौजूद है। अब हम कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4 ब्रांच मौजूद हैं। अगर हम ये चेन सेलेक्ट करें तो 1, 2, 3 ब्रांच मौजूद है, ये पूरी एक ब्रांच हो जाएगी, ये 2 और ये 3, ठीक है। अगर हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 ब्रांचेस मौजूद हैं और सेम है, ठीक है। तो हम ये स्ट्रेट चेन या ये चेन सेलेक्ट करेंगे जिस पे मैक्सिमम ब्रांच है, ना कि ये चेन सेलेक्ट करेंगे जिस पे नंबर ऑफ ब्रांच कम है, और उसके बाद इसका आयूपैक नेम लिख देंगे। और अगर हम आयूपैक नेम लिखें 1, 2, 3 मिथाइल हैं और ये ब्रांच प्रोपाइल है, और कैसा प्रोपाइल है, ये एक नॉर्मल प्रोपाइल है, ये एन प्रोपाइल है, ठीक है। तो अगर मैं इसका आयूपैक नेम लिखूंगा तो मेरे पास के एल एम देन एन ओ और पी, एम अल्फाबेटिकली पहले आता है तो पहले मिथाइल ब्रांच का नाम लिखा जाएगा, नंबर करेंगे जहाँ से ब्रांच लोअर आए तो ये नंबरिंग यहाँ से होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल, उसके बाद 4 पे प्रोपाइल है, 4 एन प्रोपाइल,
ठीक है, और टोटल 7 कार्बन का अल्केन है, तो ये हेप्टेन है। 2,3,5 ट्राइमिथाइल 4 एन प्रोपाइल हेप्टेन। जब आयुपैक नेम लिखेंगे तो एन आइसो नियो इसमें जो है वो डैश देंगे, आयुपैक नेम में। कॉमन नेम में इसकी ज़रूरत नहीं है, कॉमन नेम में आइसो वर्ड साथ मिला के लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हैं हमारे पास कुछ रूल्स। अब हम यहीं से अल्कीन की नेमिंग की बात कर लेते हैं। जब हम नाम लिखेंगे किसी भी अल्कीन का, तो हम सिर्फ ए एन ई को रिप्लेस करेंगे विद ई एन ई। ए एन ई को रिप्लेस कर दें विद ई एन ई, बाकी तमाम नाम एज इट इज लिख दें। जी स्टूडेंट्स, तमाम रूल नेमिंग के सेम रहेंगे, सिर्फ हम रिप्लेस कर देंगे ए एन ई को विद वर्ड ई एन ई। और ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसलिए इसको ज़्यादा बहुत नहीं जाएंगे। हाँ, अलबत्ता हम बात करेंगे जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं। ट्रिपल बॉन्ड की एक आध एग्जाम्पल अल्काइन की देखेंगे, और फिर हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे कि हमने उसमें क्या करना है। अगर हम अल्कीन की कोई नाम है, तो अल्कीन की नेम में भी वही तमाम रूल्स, सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन को नंबर करते हुए डबल बॉन्ड को प्रेफर करें, एंड डबल बॉन्ड मस्ट बी पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। जब भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जाएगी तो डबल बॉन्ड को उसमें इंक्लूड करेंगे। अगर डबल बॉन्ड के अलावा कोई लॉन्गेस्ट चेन बन रही है खाली सिंगल बॉन्ड की और डबल बॉन्ड मौजूद है, तो वो लॉन्गेस्ट चेन आयुपैक नेमिंग में सेलेक्ट नहीं की जाएगी। वो चेन सेलेक्ट करेंगे डबल बॉन्ड जिसका पार्ट हो। ठीक है, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, नंबर करते हुए प्रेफर करना है फंक्शनल ग्रुप को, डबल बॉन्ड को। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6 मिथाइल ग्रुप मौजूद है। कार्बन 5 पे पहले ब्रांच का नाम लिख दें 5-methyl। 6 कार्बन के का कंपाउंड है हेक्स। एक मिनट, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखें। ठीक है, कहाँ पे मौजूद है? कार्बन 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5-methyl 1, 6 कार्बन है हेक्स, डबल बॉन्ड है ई एन ई। अब 5-methyl 1 हेक्सीन या 5-methyl हेक्स 1 ईन, दो तरह से ये नाम लिखा जा सकता है। ठीक है, 1 हेक्सीन या हेक्स 1 ईन, पहले हेक्स लिख दें, देन ई एन ई से पहले इसकी पोजीशन लिख दें 1 ईन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आयुपैक नेम। बाकी तमाम रूल्स वही हैं। अगर एक से ज़्यादा ब्रांच मौजूद हैं तो प्रीफिक्स डाइट्राइड टेट्राइड करें। अगर मौजूद है एक ही कार्बन पे तो पोजीशन 2 मरतबा लिखें। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें विद मैक्सिमम ब्रांच सेलेक्ट करें। अगर टाई आ जाए तो प्रेफर वहाँ से करें जहाँ से सेकेंड प्रायोरिटी लोअर पोजिशन पर आ जाए। बाकी तमाम रूल्स सेम रहेंगे। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होगा, तो हम डबल बॉन्ड से पहले प्रीफिक्स ई एन ई से पहले प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा और पेंटाइड करेंगे। जैसे कि अगर 2 डबल बॉन्ड हैं तो डाई ईन, इसका नाम लिखा जाएगा एज अ डाई ईन। ठीक है, तो हम जब नंबर करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड लोअर पोजीशन पे आए, दोनों तरफ से इक्वल है, कहीं से भी नंबर करें 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड कार्बन 1 से शुरू हुआ, दूसरा डबल बॉन्ड कार्बन 4 से स्टार्ट हुआ, तो 1, 4 दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन। 5 कार्बन है तो पेंट ए लिखेंगे साथ, पेंटा। ठीक है, और 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई ईन, तो ये हो जाएगा पेंटा डाई ईन। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा होंगे, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की तादाद 3 है, अगर ये कंपाउंड है और इसका आयुपैक नेम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो
तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर करें। यहाँ से डबल बॉन्ड कार्बन 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तीन डबल बॉन्ड हैं, तीनों की पोजीशन लिखें 1, 3, 5 अब टोटल 7 कार्बन है तो हेप्टा ठीक है 1, 3, 5 हेप्टा। तीन डबल बॉन्ड है तो ट्राई ईन, जो जगह 1, 3, 5 हेप्टा ट्राई ईन। तो हम किसी भी अल्कीन का जब नाम लिखेंगे, अगर तो दो डबल बॉन्ड हैं तो डाइन, तीन हैं तो ट्राइन, चार हैं तो टेट्राइन। अब यहाँ पे हम बेंजीन एक अल्कीन है ठीक है, तो हमें बेंजीन का आयुपैक नेम मालूम होना चाहिए। और अगर मैं बेंजीन का आयुपैक नेम लिखूँ तो बेंजीन का आयुपैक नेम एज़ अल्कीन लिखा जाएगा और ये एक ट्राइन है ठीक है। हम नंबर करें जहाँ से डबल बॉन्ड लोअर पोजीशन पे आए, किसी एक पॉइंट से शुरू करें 1, देन इधर जाएंगे 2, इस तरफ मूव नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से कार्बन 1, अब डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हम पहले नाम दे रहे हैं ठीक है, ये सिंगल बॉन्डेड है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गए 6 कार्बन। अब 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन, अल्कीन है तो हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है। डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखें 1, 3, 5 1, 3, 5 साइक्लिक है, 6 कार्बन है तो हेक्सा और 3 डबल बॉन्ड है 1, 3, 5 पे तो ट्राई इन, तो बेंजीन का आयुपैक नेम है 1, 3, 5 साइक्लोहेक्सा ट्राई इन। तो हम किसी भी डाइन, ट्राइन, टेट्राइन, पेंटाइन, हेक्साइन, जो भी अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड हो उनका नाम लिख सकें। उसके बाद अगर हमारे पास अल्काइन होगा तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, तमाम रूल्स सेम रहेंगे, सिर्फ ई एन ई को रिप्लेस कर देंगे विद वाई एन ई, रिप्लेस सफिक्स ई एन ई विद वाई एन ई ठीक है, सफिक्स ई एन ई को वाई एन ई के साथ रिप्लेस कर दें, बाकी तमाम रूल्स अगेन सेम रहेंगे। अगर हमारे पास ये अल्कीन है, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सिंपली आप रूल समझ सकें ठीक है, इसके बाद आप किसी भी एग्जांपल पे ये अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें, नंबर फ्रॉम द साइड विच गिव लोअर पोजीशन टू फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर दें, अल्कीन के केस में ब्रांच, बाकी तमाम में फंक्शनल ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5 5 कार्बन का अल्केन होता है पेंटेन, सिर्फ ए एन ई के बजाय यहां कर दें वाई एन ई पेंटाइन, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन ऐड कर दें 1 पेंटाइन ठीक है। तो ये काम है सिर्फ अल्काइन की नेमिंग में। अगर कोई ब्रांच मौजूद है तो बिल्कुल उसी तरह ब्रांच का नाम लिखें जैसे कि हमने बाकी केसेस में लिखा। अगर इस पेन अल्काइन का नाम लिखना चाहें तो नंबर यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 पे मिथाइल मौजूद है तो पहले लिख दें 5-methyl, देन ट्रिपल बॉन्ड 2 पे स्टार्ट हो रहा है तो 2, टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सेन और अल्काइन है तो ए एन ई के बजाय वाई एन ई हेक्साइन, 5-methyl, 2-hexyne ये है आयुपैक नेम लिखने का तरीका। किसी भी अल्काइन का आयुपैक नेम लिखना है तो जस्ट रिप्लेस ए एन ई विद वाई एन ई ठीक है। इसके अलावा अल्काइन के कॉमन नेम की अगर बात करें तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच इथाइन इज कॉमनली नॉन एज एसीटाइलीन,
इसे एसीटाइलीन या एसीटाइलीन गैस कहते हैं, ठीक है, गैशियस फॉर्म में होता है। तो कॉमन नेम ऑफ इथाइन इज एसीटाइलीन, इथाइन का कॉमन नेम एसीटाइलीन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दो कार्बन की अल्काइन एसीटाइलीन है, ठीक है। जनरली हम तमाम अल्काइंस को एसीटाइलीन भी कहते हैं जनरली, लेकिन एसीटाइलीन स्पेसिफिकली कॉमन नेम है दो कार्बन की अल्काइन का, ठीक है। और एसीटाइलीन यूज़ होती है एसीटाइलीन टॉर्च में फॉर मेटल कटिंग, इट इज़ यूज्ड फॉर मेटल कटिंग इन एसीटाइलीन टॉर्च, उसे एसीटाइलीन टॉर्च कहा जाता है, मेटल काटने के लिए यूज़ होता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, ब्लू फ्लेम के साथ बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है। अब अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होंगे तो हम क्या करेंगे, हम प्रेफर करेंगे ईएनई को, एंड वाईएनई कम्स आफ्टर ईएनई, पहले ईएनई लिखेंगे देन वाईएनई अल्काइन, ठीक है। तो ईएनई हम नंबर करते हुए डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, हम पहले एल्कीन का नाम लिखेंगे देन सफिक्स ऐड कर देंगे वाई एन ई विद पोजिशन। जी स्टूडेंट्स, तो हमने बात की कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होंगे तो हम प्रेफर करेंगे एल्कीन को नाम लिखते हुए, नंबर करते हुए डिपेंड करेगा कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे। अगर मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है और उसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है और उसका स्ट्रक्चर ये है, अब यहाँ डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, जिस वक्त नंबर करेंगे तो प्रेफरेंस किसको देंगे, जिसकी पोजीशन पहले आ गई। अगर डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिल रहा है तो हम नंबरिंग वहाँ से कर देंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड को कहीं से लोअर नंबर मिल रहा है तो हम नंबरिंग वहाँ से कर देंगे, जो पहले आ गया नंबर पहले उसका। अगर यहाँ पर देखें ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, तो हम नंबर यहाँ से करेंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन का कंपाउंड हो गया। अब नेम देते हुए हम प्रेफर करेंगे एल्कीन को, हम इसे हेक्सीन लिखेंगे, और कैसी हेक्सीन, 4-hexene, ठीक है, इसको छोड़ दें, ये एक एल्कीन है और 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ये 4-hexene है, 4-hexene। अब हम ईएनई के बजाय खाली ईएन लिखेंगे जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होंगे, हेक्सीन देन डैश देंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए पोजीशन और वर्ड वाईएनई ऐड कर देंगे, पोजीशन 1 है 1-ion, ये हो जाएगा हमारे पास इसका आयुपैक नेम 4-hexene-1-ion। अब यहाँ ई एन ई कंप्लीट नहीं लिखना, खाली ई एन फॉर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए सिर्फ ई एन वर्ड ऐड करना है, नॉट ई एन ई, Hexene-1-ion, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन के साथ। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, अगर ये स्ट्रक्चर है, अब नंबर करते हुए यहाँ पे डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, जहाँ से जिस बॉन्ड को लोअर नंबर मिल गया नंबरिंग वहाँ से कर देंगे, चाहे वो डबल बॉन्ड को मिल जाए चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड को मिल जाए, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर इसका हम नाम लिखेंगे तो फिर अगेन इसका नाम एज़ाल्कीन लिखेंगे और 1-hexene है, ये 6 कार्बन हेक्स, 1 पे डबल बॉन्ड तो 1 पोजिशन और डबल बॉन्ड है तो ईएनई हेक्सीन, ठीक है, तो ये हो गया 1-hexene, 1-hexene। लेकिन हेक्सीन लिखते हुए मैं ई एन ई के बजाय खाली ई एन लिखूंगा, 1-hexene। अब डैश डालें, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और वाई एन ई वर्ड ऐड कर दें, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड क्या है, 4 पे स्टार्ट हुआ है, 4-ion, तो ये 1-hexene-4-ion है, ये 4-hexene
1-ion है। और अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ जाए, एक जैसा नंबर मिल रहा हो, जो नंबर उधर से देखें तो ट्रिपल बॉन्ड वन पे, इधर से देखें तो डबल बॉन्ड वन पे है, देन प्रेफर द डबल बॉन्ड। ऐसे केस में प्रेफर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देंगे नाम लिखते हुए। तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। नेम एज अल्कीन ही हमेशा लिखा जाएगा, चाहे नंबरिंग में प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को मिल रही हो, चाहे डबल बॉन्ड को मिल रही हो, इक्वल पोजीशन पे हो तो डबल बॉन्ड को मिलेगी और नेम एज अल्कीन लिखेंगे। तो ये 1-pentene, EN ही कंप्लीट नहीं करना, EN पेंट 1-ene 4-ion, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। तो यकीनन आपको बात समझ आई होगी, हमने सिर्फ रिवाइज किए, आपको ये सब रूल्स आते होंगे लेकिन हमने एक मरतबा रिवाइज किए, रिकैप्चुलेट किए, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत है। और अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस की हमने बात की कि हम कैसे अल्केन, अल्कीन या अल्काइन का नाम लिखते हैं, तो हमें रूल्स मालूम होंगे तो ही हम सही आंसर को चूज कर सकते हैं। तो एक मरतबा फिर देख लेते हैं, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन नंबर फ्रॉम द साइड विच गिव लोअर पोजीशन टू ब्रांच इन केस ऑफ अल्कीन, फंक्शनल ग्रुप इन केस ऑफ ऑल अदर कंपाउंड्स, इसके अलावा तमाम कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस। नंबर देन नंबर द कार्बन चेन, नंबर कार्बन चेन के बाद राइट द नेम ऑफ ब्रांच फर्स्ट, देन नेम ऑफ पेरेंट चेन, इफ मोर देन टू ब्रांचेज आर एट प्रेजेंट एट प्रीफिक्स डाइट राइट एट्रा, मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी हम प्रीफिक्स डाइट राइट एट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऐड करेंगे। एक से ज्यादा एक जैसी ब्रांच अटैच है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, एक कार्बन पे एक जैसी एक से ज्यादा ब्रांच है तो पोजिशन दो मरतबा लिखी जाएगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम ब्रांच सेलेक्ट की जाएगी और पेरेंट नेम बाद में, ब्रांच का नाम पहले लिखा जाएगा। अब यहाँ एक और ऐड कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा मौजूद हैं तो जो तरीका हमारे पास डबल बॉन्ड में था वही हम यहाँ करेंगे, डाई आइन कर देंगे। जैसे कि ये है हमारे पास नंबर, करें 1, 2, 3, 4 हेक्साइन है और हेक्सा डाइआइन है, ठीक है, दो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं तो दोनों की पोजीशन लिखे ट्रिपल बॉन्ड वन पे, ट्रिपल बॉन्ड थ्री पे, 1, 3 हेक्सा। अब यहां पे हेक्सा खाली लिखेंगे, जैसे कि एल्कीन में हमने कहा था पेंटा डाइइन, हेक्सा डाइइन, ब्यूटा डाइइन, तो यहां पे हेक्सा और डाई आइन, ये हो जाएगा हमारे पास इसका IUPAC नेम, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ IUPAC नेम है अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के। जी फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1-by-1 अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है अल्केन्स, तो हम अल्केन से स्टार्ट करते हैं कि अल्केन्स हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। हमें मालूम है जनरल फार्मूला इज CnH2n+2, जनरल रिप्रेजेंटेशन इज, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड विद 3 अदर एटम्स अटैच और R सिंगल बॉन्ड R के साथ। जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। इस जनरल फार्मूला को यूज़ करते हुए हम किसी भी एल्केन का फार्मूला लिख सकते हैं। अगर कहा जाए 1000 कार्बन का एल्केन क्या होगा तो C1000H, 1000 मल्टीप्लाई बाई 2, n नंबर ऑफ कार्बन है तो 2000+2 तो 2002, ये होना चाहिए 1000 कार्बन का एल्केन। अब अगर एल्केन साइक्लिक एल्केन होगा तो जनरल फार्मूला फॉर साइक्लिक एल्केन इज CnH2n। साइक्लिक एल्केन के दो हाइड्रोजन ओपन चेन एल्केन से कम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ब्यूटेन है CH2, CH2, CH3 एंड CH3,
CnH2n+2 है, CnH2n+2, C4 है, H2 × 4 × 2, 8 + 2 = 10 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। लेकिन अगर मैं साइक्लोब्यूटेन लूंगा तो साइक्लोब्यूटेन ये रहा, अल्केन है, तमाम बॉन्ड कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन हमारे पास चार कार्बन, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8 हाइड्रोजन है, तो CnH2n है हमारे पास इसका फॉर्मूला, जितने कार्बन उसके ट्वाइस हाइड्रोजन। अल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड का मतलब है ऑल वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय फॉर्मिंग अ सिग्मा बॉन्ड्स। ऐसा कंपाउंड जिसमें चारों वैलेंसी कार्बन या हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही हैं बाय कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स, एंड ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड। सैचुरेटेड का मतलब है पाई बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड का मतलब है ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, तमाम के तमाम सिग्मा बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में होंगे तो उसे हम सैचुरेटेड कहेंगे। अगर किसी भी कंपाउंड में, सिर्फ अल्केन की नहीं, किसी भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड होगा तो इट इज अनसैचुरेटेड, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अल्केन्स में चूंकि तमाम बॉन्ड कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड है तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद अल्केन्स, ऑल कार्बन्स आर sp3 एंड टेट्राहेड्रन, तमाम के तमाम अल्केन के कार्बन sp3 होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे, 109.5 का एंगल होगा तमाम कार्बन का। यह कुछ जनरल बातें। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने के साथ। ये जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन गैस है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है, ये सब क्या है, लिक्विड है, हायर हाइड्रोकार्बन आर सॉलिड। तो जनरली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, हाउ टू प्रिपेयर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हम अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। पहला रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इट इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, इसे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहेंगे, और इसका नाम है सेबेटियर्स सेंडर्न रिएक्शन, ठीक है। इसका नेम क्या है, सेबेटियर्स सेंडर्न रिएक्शन। तो ये तीनों नाम हमारे पास एक ही रिएक्शन के हैं, हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, सेबेटियर्स सेंडर्न रिएक्शन। और हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमारे पास कोई ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है या डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है तो इसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और अगर हम इसमें हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे तो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट एक अदद
अल्कीन होगा। सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। अल्काइन होगी तो एक ट्रिपल बॉन्ड में दो मोल हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, अल्कीन होगी तो एक डबल बॉन्ड में वन मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होगा। रिएक्शन की कंडीशन है एट हाई टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल, निकल एंड 200 to 300। और अगर यहाँ पे निकल के बजाय प्लेटिनम या प्लेडियम मेटल गिवन हो तो प्लेटिनम और प्लेडियम के साथ रूम टेम्परेचर विदाउट हीट। ठीक है, तो पहला मेथड या जो आपने याद रखना है बहुत कॉमन रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन या अल्काइन के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन के एडिशन करें, ट्रिपल बॉन्ड में दो मोल हाइड्रोजन ऐड होता है, सिंगल डबल बॉन्ड में वन मोल हाइड्रोजन ऐड होगा एंड इट कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। जनरली रिएक्शन निकल की मौजूदगी में 200 to 300 डिग्री सेल्सियस पे होगा, लेकिन अगर हम प्लेटिनम या प्लेडियम मेटल कैटलिस्ट यूज करें तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होता है, बट दे आर नॉट यूज बिकॉज एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव होने की वजह से इस्तेमाल नहीं किए जाते। रिएक्शन इज इंडस्ट्रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल घी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मार्जरीन और वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल घी ऑयल कंटेन अनसेचुरेशन, और वो अनसेचुरेशन किस में होती है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। वेजिटेबल ऑयल कंटेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, ऑयल कंटेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एंड वी कन्वर्ट अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इंटू सेचुरेटेड फैटी एसिड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के जरिए इस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है और वो वेजिटेबल ऑयल फैट में, सॉलिड फैट में चेंज हो जाता है। तो एक रिएक्शन हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, जो कि बहुत कॉमन है और आपको इसके नाम याद रखने। ठीक है, सबेटियर सेंडन रिएक्शन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब वो अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, डाइन भी हो सकती है, डाई आइन भी हो सकती है। अगर ये डाइन हो और हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करें डाइन की, तो टू मोल ऑफ हाइड्रोजन इज एड होगी टू कन्वर्ट इट इनटू अल्कीन। अगर ये डाई आइन होगी तो फोर मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू अल्कीन। अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए चार मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा डाई आइन को। सिंपली एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए दो मोल चाहिए, किसी हाइड्रोकार्बन में जितने ट्रिपल मोल हों, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, अगर कहा जाए कितने मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हैं तो एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए दो मोल, अगर ट्राई आइन है तो सिक्स मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर डाइन है तो दो मोल, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं तो दो मोल ट्रिपल बॉन्ड के लिए, एक मोल डबल बॉन्ड के लिए, तीन मोल हाइड्रोजन रिक्वायर होगा। हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू सॉल्यूशन। ठीक है, अल्कीन या अल्काइन के सॉल्यूशन में फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड मेटल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन गैस बबल की जाती है। इंडस्ट्री में वेजिटेबल ऑयल में से हाइड्रोजन गैस को बबल करते हैं विद फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड निकल मेटल कैटलिस्ट, निकल पाउडर्ड फॉर्म में
ऐड किया जाता है उसके साथ। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की जो कि बहुत कॉमन है, और वो क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन और अल्काइन। और हमने बात की कि कंडीशन क्या है, निकल मेटल कैटलिस्ट 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस, प्लेटिनम प्लेडियम रूम टेम्परेचर, इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट फॉर यूज एंड यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। इस रिएक्शन को कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट की मौजूदगी में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसे हम स्वेटियर सेंडन रिएक्शन भी कहेंगे, ये इसका नाम है, नेम रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन को नेम रिएक्शन कहा जाता है जिसका कोई ना कोई नाम किसी के नाम के साथ एसोसिएट हो, तो ये एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। और तीसरी चीज़, इसे हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्कीन्स एंड अल्काइन्स भी कहेंगे। दूसरा मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम अल्काइल हेलाइड। अगर हम अल्काइल हेलाइड की रिडक्शन करें, ठीक है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड, हम अल्काइल हेलाइड्स की रिडक्शन से बना सकते हैं। और अल्काइल हेलाइड हमें पता है क्या होगा, आर एक्स। अगर अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन करवाया जाए विद जिंक मेटल प्लस HCl एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और इसमें हम एक्वस एसिड यूज करेंगे, या जिंक मेटल प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH रिड्यूसिंग एजेंट, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो होगा क्या, अल्काइल हेलाइड चेंज इनटू अल्केन, इसकी रिडक्शन होगी, जिंक मेटल जिंक सॉलिड प्लस एक्वस एसिड एच पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। हमें मालूम है जब एक एसिड एक्वस होगा तो कैटाइन और एनाइन अलहदा अलहदा होंगे, आयोनिक फॉर्म में होगा, आयोनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहां से क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन हैलोजन की जगह ले लेता है आर एच, सिंपली आर एच प्लस जेड एन एक्स टू, ये रिएक्शन है। अब यहां एसिटिक एसिड हो या HCl हो, दोनों फॉर्म में सेम होगा। और अगर LiAlH4 होगा तो भी हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगी, आर एच हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन, इसे हम कहेंगे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। रिडक्शन क्यों है भाई, क्यों रिडक्शन हुई, अगर यहाँ एक्स एच एक्स है, बी आर हो एक्स बी आर और बी आर, तो जेड एन बी आर टू बनेगा, सी एल क्लोरीन होगा तो जेड एन सी एल टू बनेगा। इस रिएक्शन में जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो कार्बन एटम को, ठीक है, किसके, अल्काइल हेलाइड के, तो जिंक ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू कार्बन ऑफ अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड की कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। सो जिंक ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, खुद ऑक्सीडाइज हुआ, तो जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक यहां पे क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिंक एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसलिए इसने रिडक्शन की है अल्काइल हेलाइड की। नेट रिजल्ट क्या है, अल्काइल हेलाइड चेंज इनटू अल्कीन। एक मेथड हमारे पास ये है इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हुए। दूसरा है, अगर हम अल्काइल हेलाइड का ही रिएक्शन करवाएं, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड विद प्लेडियम चारकोल, ठीक है, अल्काइल हेलाइड यूज करें, H2 हाइड्रोजन गैस यूज की जाए, और प्लेडियम चारकोल कैटलिस्ट यूज किया जाए, ठीक है, और प्लेडियम मेटल विद चारकोल के साथ इसे हीट करें, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या होगा, RH प्लस HX बनेगा, ठीक है। हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी, अल्काइल अल्केन बनेगा आर एच, और एक्स यहाँ से जो निकलेगा वो बनाएगा एच एक्स। और ऐसे रिएक्शन को जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग शामिल है,
ठीक है, हाइड्रोजन 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 हैलोजन, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, विद बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। इस रिएक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोजिनोलाइसिस। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं हुई डबल बॉन्ड में, बल्कि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ एल्काइल हैलाइड का, तो इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनोलाइसिस कहेंगे। और हाइड्रोजिनोलाइसिस में हमारे पास प्लेडियम चारकोल कंडीशन होगी विद हीट। तो दो मेथड उसके अलावा हमारे पास ये आगे, ठीक है, तो हम अल्केन्स को बना सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास मेथड मौजूद हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल्व इलेक्ट्रोलाइसिस, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे विद मैकेनिज्म कॉल्व इलेक्ट्रोलाइसिस की, ठीक है। कॉल्व इलेक्ट्रोलाइसिस से हम अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों बना सकते हैं, ठीक है, अल्केन भी बनता है अल्कीन भी बनता है और अल्काइन भी बनता है, और वो एक डीकार्बोक्सीलेशन रिएक्शन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मजीद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड रिएक्शन ऑफ अल्केन्स को। थैंक यू।